हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम फॉर द वाइफ। तो आवाज़ से समझ आ रहा होगा कि मेरी हालत अभी बहुत ख़राब है। शादी के बाद आने की ये हालत हो रखी है कि दो दिन से डेली हॉस्पिटल जा रही हूँ, पर जस्ट अभी मैसेज मिला है कि कोई आने वाला है। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे से मिलने, उनको फ़ोन पर बात हुई तो बस मैं बताई कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो बोले कि बस तो फिर हम आपसे मिलते हुए जाएंगे, निकलेंगे, हम वहाँ से निकल ही रहे हैं तो हम आपसे मिलते हुए जाएंगे। मतलब मैं इतनी खुश हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ कि घर की हालत भी ऐसी है, बिकॉज़ आप सबको मालूम है कि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, यहाँ मेरी मम्मा और डैडी रहते हैं, सास ससुर। तो घर ये कंडीशन है पूरे घर की, ऐसा पूरा पड़ा हुआ है गंदा सा, क्योंकि वो जितना भी जो काम वाली दीदी हैं वो करती हैं, जैसा भी कर देती हैं। छोटी वाली सिस्टर रहती है, उसकी भी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती है। तो हमने अभी मतलब अंदर से ये भी लग रहा है कि वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और ये हालत है घर की भी और मेरी भी। मैं भी दो दिन से मतलब जब से आई हूँ चक्कर लगा रही हूँ बार बार हॉस्पिटल के। तो जैसा भी होगा हम मैनेज करेंगे। तो आप ब्लॉग में बने रहो, देखो कि कौन आ रहा है जिसके लिए मैं इतनी खुश हूँ। और ये देखो, इनको बस मूवी देखने के अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है, जैसे भी मैनेज कर रहे हैं। कौन आ रहा है अभी बताएंगे? अभी नहीं, वेट करो, आप ब्लॉग में बने रहो तो आपको पता चलेगा कि कौन आ रहा है हमसे मिलने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। तो अभी बस जैसे भी काम चल रहा है, और दीदी अभी खाने के लिए मैंने बोल दिया है, ये थोड़ी सी तैयारी करी, दीदी खाना बना रही है उधर, वो देखो दीदी खाना बना रही है। थोड़ी सी हेल्प मैं करूँगी बिकॉज दीदी अकेली है, तो जैसा भी हो पाएगा, मेरी तबीयत तो ख़राब है ही, तो जितना भी हो सकेगा हम अपनी वेलकम की अच्छी कोशिश करेंगे कि हम उनका अच्छा वेलकम करें। सो ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पूनम दीदी खाना बना रही है, देखो क्या बना रहे हो दीदी? बना रही है पनीर। और क्या बना रहे हो दीदी? दाल अरहर की बना रही है, और मिक्स वेज। देखो ब्लॉक बल्ब टूट गया है तो वो बल्ब लगा रहे हैं। अरे भैया, लड्डू गोपाल आए, मम्मा नहीं तो वही तो देखते हैं। मम्मा होती ना तो इतनी खुश हो जाती है तुम पे, मतलब ये कहती कि वो लड़की है, पूरे टाइम यही बताया जाता है वो देखो साथ लेके चलती है, मुझे यही आता है। जैसे एक दो दिन तीन दिन के लिए जाते हैं तो किसी को दे देते हैं हम सामने। अभी एक महीने के लिए जा रहा है ना, होली बाद आएंगे सीधे अपने घर ही। मम्मी लगी मेरी मम्मी तो कहीं जाएंगी, शादी कर अभी मम्मी निकल गई। जिस दिन हम लोग आए ना सर, उसी दिन वो महाकाल की निकल गई। ये देखो, ये तो जो आए वो आए, ये देखो कौन आया, ये देखो स्पेशल इंसान आए मेरे यहाँ, और दो आपके फ्रेंड और हैं यहाँ पे, और हाँ दो तीन लोग सबके पास है। छोड़ दिया, कितने किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा तब यूटर्न लेके आओगे? हैदराबाद में रिंग रोड है सारी, आप बीच में तो जा ही नहीं सकते आप कहीं पर भी। ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं तो लोग भर भर के खिला देता है। अभी मैं आपको ले चलूंगा ना वहाँ से, जिस रोड पे छोड़ूंगा, ठीक है, वहाँ सीधा पकड़ा, सीधा हाईवे लगोगे। आपका भी निकाल देती हूँ।
मैं ये कुछ नहीं खाऊंगा, वॉमिटिंग इतनी ज्यादा हो रही है ना, नहीं खाओगे तो और होगा, खा के ही करोगे। मैं तो आज खुद ही सुबह कर दिया। इसको है ठंडी से एलर्जी, सारे हॉस्पिटल में ये शादी में बालन में भी अच्छी खासी थी। वैसे भी ना भैया उधर ना हैदराबाद में क्लाइमेट सेम रहता है, ज्यादा सर्दी नहीं ज्यादा गर्मी नहीं, तो मुझे ना वो है ये दो दो क्यों तीखा सा मिस तो नहीं हुआ कुछ, खाली पड़ा है कुछ नहीं मिस हो गया, ये खाली मिल गया क्या वो नीचे वाला बाउल, कुछ एक्स्ट्रा डालने के लिए यार इतना ही बनाई है दीदी, अभी आगे तो तुरंत तो मैसेज मिला था। आपको मतलब पक्का कंफर्म हो गया था कि लगाएंगे? नहीं मैं तो बोल ही दी थी ना फिर अच्छा दूध का टाइम हो गया, ठीक है वीडियो को उठाना, वीडियो को उठाना। क्या कर रहे हो? ये देखो हम खाना कैसे खा रहे हैं। पापड़, पूरी, देख रहे हो कितना मजा आ रहा खाना खाने में। ढाबे पे ये हो गया बस, रास्ते में इनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो रास्ते में फिर मनीषा ने बात किया, तुझे मालूम नहीं पड़ा ना तबीयत ज्यादा खराब है, फिर मैंने गाड़ी मोड़ लिया, सीधा इधर ही आ गए, मैंने गाड़ी मोड़ लिया, मैं बोला चल यार पहले वहां चलते हैं। अरे आजा आजा खाना खा लो, एक प्लेट लगा रखी है। जब यहाँ आया तो मैं देखा आएंगे नहीं क्या? सचिन भाई ने यहाँ कॉल लगा लिया नेहा को कि हम कहाँ है, वो कह रही है स्वागत हो रही है कि आप लोग वहाँ कैसे पहुँच गए। अभी से यहाँ आए बताया बोला ज़्यादा ससुराल नहीं जाना बोला। हाँ वही ना, वो सोच रही है ये दोनों वहाँ कैसे पहुँच गए। खाना खाने के बाद अब मनीषा के जाने के टाइम आ गया है, बिकॉज मनीषा को और सचिन भाई को लखनऊ जाना है, लखनऊ उनका कुछ काम है, सूट है, तो वो सूट के लिए निकल रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रुके, बट बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत खुशी हुई, एंड थैंक यू सचिन भाई एंड मनीषा दोनों को, स्पेशली थैंक यू कि मेरी बीमार होने की खबर सुन के आप मुझे देखने आए, बिकॉज मेरी फ़ोन पर ही बात हुई थी, बट मैंने जैसे ही बताया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं हॉस्पिटल हूँ भाई, तो उन्होंने बोला तो फिर दी मैं देखने आऊँगा पक्का आपको, तो फिर वो देखने आए, मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा। शादी में हमने जो टाइम स्पेंड किया वो उतना ज़्यादा स्पेशल नहीं हो पाया, बिकॉज वहाँ फंक्शन थे तो हम उन सब में ज़्यादा बिजी थे, तो पर्सनली इतना एक दूसरे को नहीं जान पाए, तो यहाँ जब स्पेशली यहाँ पास में आके मिले तो रियली रियली बहुत अच्छा नेचर है दोनों का, तो बहुत अच्छा लगा, अगेन अगेन थैंक यू।
भाई एंड मनीषा दोनों को स्पेशली जो चीज़ थी वो मुझे ये अच्छी लगी कि वो बोले कि आपकी तबीयत ख़राब थी स्पेशली मैं इसलिए आया, अगर तबीयत ख़राब नहीं होती तो मैं शायद सीधा निकल जाता, बट मैं जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम्स में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अभी यहाँ से बस टाइम हो गया है एक दूसरे का अलग होने का, बिकॉज़ वो भी अपनी ससुराल जा रही है और मैं भी अपनी ससुराल आ गई हूँ। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा एंड नेक्स्ट व्लॉग का वेट करिएगा। तो ये जो लड्डू गोपाल आप देख रहे हैं ना, ये लड्डू गोपाल घर में लेके आई थी, बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरे यहाँ लड्डू गोपाल की बहुत पूजा होती है, तो ये भी लड्डू गोपाल लेके आई। मम्मा नहीं थी, नहीं तो लड्डू गोपाल का आई थिंक स्पेशल तरीके से वेलकम होता। जो मैं तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो उतना ज़्यादा नहीं कर पाई, बट बहुत अच्छा लगा लड्डू गोपाल मेरे घर में आए। और ये यहाँ पे हम दो कुछ क्लिप ले रहे हैं जो कि अभी तो मुझे मिले नहीं हैं, सचिन भाई के पास हैं, तो फिर बहुत जल्द मैं शेयर करूँगी आपके साथ ये क्लिप्स भी। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।